तो फ्रेंड्स इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता हो कि टेक्स्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, टेक्स्ट इंडेंट कैसे करते हैं, टेक्स्ट को रैप कैसे करते हैं, टेक्स्ट का वर्ड स्पेसिंग कैसे बढ़ाते हैं, टेक्स्ट का लेटर स्पेसिंग कैसे बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो HTML में डेवलपर हैं और जो HTML में कुछ वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, UI डेवलपर हैं और चाहे कुछ भी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड भी डेवलपर हैं, तो ये सबके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाता है। और ये जो टेक्स्ट का जो CSS प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये सब देख के पता चल गया होगा कि आज का जो क्लासेज है उसमें क्या बताने जा रहे हैं। आज का जो क्लासेज में है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है, जो CSS प्रॉपर्टी हम सब बताने जा रहे हैं, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यदि इस सीरीज में सारे यदि देखते हो, बिगनर जो भी आप इसमें HTML से रिलेटेड आप वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो जो भी इसमें बेसिक है मैं ऑलमोस्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो एडवांस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखो और इसमें प्रैक्टिस करते रहो। जो भी नेम बताते जा रहा हूँ उससे आपको क्या होगा कि आगे आने वाला दिन में बहुत ही ईजी हो जाएगा जो है वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट करने में। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और वहाँ पे देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली कैसे हम यूज करते हैं जो CSS टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है जो भी है। आज जो देखना है वो है टेक्स्ट का प्रॉपर्टी देखना है CSS में। तो इसके लिए हम सबको नोटपैड पे आ जाना है, नोटपैड पे और प्लस ब्राउजर रहेगा, जो भी हम रन करवाएंगे ब्राउजर पे रहेगा। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे जो देखते हैं, यहाँ पे आज जो देखने वाले हैं यहाँ पे टेक्स्ट CSS, तो टेक्स्ट का जो है प्रॉपर्टी देखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं, जो कि यहाँ पे टाइटल में डाल देना पड़ेगा। और जो भी हम CSS लिखते हैं हेड के अंदर लिखते हैं, नहीं तो हम इनलाइन भी लिखते हैं, तो अभी जो है इनलाइन लिखकर देखेंगे। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होता है आपका टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट वगैरह का, उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं, वर्ड स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वाइट स्पेस है और टेक्स्ट शैडो है। तो इस हिसाब से एक एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहला जो है टेक्स्ट कलर है, तो इसके लिए हम सब जो एक पैराग्राफ में कुछ भी लिखते हैं, पैराग्राफ को P/, तो यहाँ पे जो है आपको दिस टेक्स्ट इज ग्रीन, तो यहां से आपको सिंपली आपको पहले बता चुका हूं कि जब CSS लिखना हो इनलाइन तो स्टाइल के अंदर जो होता है आपका यहां पे कलर ग्रीन, इस हिसाब इस तरीके से आप देख सकते हो ग्रीन कलर। यदि हम रेड देना चाहते हैं तो यहां पे रेड भी दे सकते हो यहां से, और कुछ भी डाल सकते हो यहां पे, जो भी कलर है आपका हैश आपका हैश से भी दे सकते हो, हैश से आपका 000 आप करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, यहाँ से यदि 000 FFF करते हैं तो फिर इस टाइप से ब्लू हो जाएगा। तो इस टाइप से अपना जो है अपना कलर जो भी रहेगा आप चेंज करके देख सकते हो इस तरीके से, जैसा भी आपको कलर चाहिए होगा। एक चीज और, आप यहाँ से भी जो इंस्पेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ इंस्पेक्ट करके ये जो एरो दिख रहा है यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी है। तो आप इंस्पेक्ट करके भी देख के जो भी कलर आपका करना है वहां से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी है इंस्पेक्ट करके। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं जो है अपना टेक्स्ट डायरेक्शन, तो टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए इसी को कॉपी करते हैं और यहां पे टेक्स्ट रेंडर अरेबिक, तो अरेबिक में आप सबको पता है कि राइट टू लेफ्ट होता है, तो इसमें जो हम डायरेक्शन डालेंगे डायरेक्शन को प्रॉपर्टी होता है, डायरेक्शन जो एट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्शन जो होता है यहाँ पे हम लिखेंगे RTL लिखेंगे तो देखो यहां से जो है राइट टू लेफ्ट हो गया LTR, यहां पे आपको स्पेलिंग ध्यान देना है DIR इस डायरेक्शन में, ये है आपको ये जो हो जाएगा तो RTL राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट, राइट से
लेफ्ट की तरफ जाएगा। जो नॉर्मली हम सब लिखते हैं वो रहता है आपका LTR। तो LTR में होता है हम सब का जो नॉर्मल हम सब हिंदी में लिखते हैं वो होता है, और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होता है, जो कि कहीं कहीं आप सबको जब अरेबिक आप सऊदी अरब वगैरह ये सब के लिए काम करोगे तो राइट टू लेफ्ट वाला का आपका ये करना पड़ेगा, मतलब उनके लिए चलता है, आपको जो है RTL डालना पड़ता है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो है कैरेक्टर के बीच में जो लेटर स्पेसिंग होता है वो। तो इसके बाद जो है लेटर स्पेसिंग के लिए, लेटर स्पेस बिटवीन लेटर, तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी होता है LETER लेटर्स डैश स्पेसिंग। यहाँ पे लेटर स्पेसिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो, 0.5 पिक्सेल, 10 पिक्सेल, 10 पिक्सेल यदि डालते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, लेटर के बीच में जो ये स्पेसिंग है, ये आपका बीच में जो स्पेसिंग है वो आ रहा है। इसको यदि हम कम करते हैं तो आपका जो है 8 करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको इस तरीके से आप इसमें चेंज करके देख सकते हो, ट्रू कर देते हैं तो और सारा कम हो जाएगा, यदि हम 12 कर देते हैं तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेटर स्पेसिंग भी कहीं कहीं जैसे जैसे जरूरत पड़ता है आप वहां पे करके देख सकते हो। इसके बाद जो है स्पेस बिटवीन वर्ड, तो स्पेस बिटवीन वर्ड जो होता है, इसके बाद हम देखते हैं स्पेस बिटवीन वर्ड। तो ये जो होता है वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग में आप होता है कि यहां पे जो है आप देख सकते हो कि इसके वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग होता है, यदि हम 10 पिक्सेल डालते हैं तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ के बीच में वर्ड के बीच में स्पेसिंग जो होता है वो बढ़ते जाता है। यहाँ पे आप जैसे जैसे जितना आपको जरूरत पड़ता है आपको डेवलपमेंट करते समय, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद जो है वर्ड स्पेसिंग, फिर टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। टेक्स्ट इंडेंट में टेक्स्ट इंडेंट, यहां पे हम सब लिखते हैं टेक्स्ट इंडेंट 25 पिक्सेल। ये देखो यदि हम इसे यदि यदि नॉर्मली हम रखते हैं यहां पे तो आपका क्या होता है, यहां पे टेक्स्ट इंडेंट जो होता है आपका लेफ्ट से अलाइनमेंट आपका सेम आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहां पे इंडेंट कर देंगे तो आपका 25 पिक्सेल लेफ्ट से जो स्पेसिंग आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको जितना भी स्पेसिंग देना है इसके थ्रू भी कर सकते हो। वैसे तो स्पेसिंग देने के लिए बहुत सारा जो है बहुत सारा चीज होता है, पैडिंग दे सकते हो, वो भी दे सकते हो इस, उसके बाद टेक्स्ट इंडेंट से भी कर सकते हो। इंडेंट मतलब लेफ्ट से इंडेंट करना रहता है, वो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट में भी जो है टेक्स्ट अलाइन राइट, तो यहां पे जो टेक्स्ट अलाइन हम सब देखते हैं, इसका जो प्रॉपर्टी होता है ALIGN अलाइन राइट। तो यहां पे हम सब जो है यहां पे देखो आप टेक्स्ट अलाइन राइट करते हैं तो अलाइन राइट हो जाता है। इसमें तीन जो प्रॉपर्टी होता है, फिर यहां पे लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा लेफ्ट। उसके बाद जो है यहां पे एक और कर देंगे, सेंटर करते हैं तो सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से टेक्स्ट लेफ्ट करेंगे तो राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट रहेगा, सेंटर करेंगे सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है उसे हम चेंज करते हैं। उसका टेक्स्ट डेकोरेशन,
टेक्स्ट डेकोरेशन में भी बहुत सारा आता है, अंडरलाइन, ओवरलाइन, ब्लिंग, इस तरीके से। तो इसके बाद जो है हम सब टेक्स्ट डेकोरेशन देखते हैं कि उसको हम कैसे करते हैं। तो यहां से इसे कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, इसको जो लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, फर्स्ट जो होता है अंडरलाइन। आप इसमें देखो अंडरलाइन करेंगे तो इसके अंदर अंडरलाइन आ जाएगा जो है, उसके बाद जो है लाइन थ्रू, उसके बाद जो है आपका जो दूसरा आता है उसके बाद जो है ओवरलाइन, ओवरलाइन। यदि ओवरलाइन करेंगे तो आपका ओवर जो है इसके ओवर ऊपर में आ जाएगा, ये ऊपर में आ गया। उसके बाद जो है ओवर थ्रू लाइन, लाइन थ्रू। अब लाइन थ्रू करेंगे तो आपका बीच में जो कभी कभी रहता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को काटने के लिए दिखाना पड़ता है कि वो रॉन्ग टेक्स्ट है, इसके लिए हम ओवर थ्रू यूज करते हैं। उसके बाद ब्लिंक जो टेक्स्ट, कभी कभी हमको ये भी यूज करना रहता है यहां पे ब्लिंक, इस तरीके से ब्लिंक करना रहता है तो ब्लिंक भी कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लिंक। इस तरीके से यहाँ पे तीन जो होता है, जो चार होता है डेकोरेशन के लिए होता है। उसके बाद जो होता है सेट द टेक्स्ट क्लास, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है जो कैपिटल में, अपर केस में और चाहे लोअर केस में वो करते हैं, उसके लिए भी जो है एक प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद जो देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करेंगे तो फिर अपर जो है सब कैपिटल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद जो है, इसके बाद जो होता है आपका कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटल में हो जाएगा। और उसके इसके बाद जो तीसरा होता है ये, इसमें जो है लोअर केस, लोअर केस में आपका लोअर में हो जाएगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर आपका लोअर, सारा जो लोअर केस में होता है सारे कैरेक्टर वो लोअर केस में हो जाएगा। तो इसमें उसके बाद है जो व्हाइट स्पेसिंग होता है, व्हाइट स्पेसिंग में क्या होता है, व्हाइट स्पेसिंग में भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे व्हाइट स्पेस इक्वल टू प्री इनलाइन इनहेरिट, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी ये जो होता है। लाइन ब्रेक, व्हाइट स्पेस से मिली, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे करके इसके व्हाइट स्पेस का बहुत ज्यादा जो दिखेगा यहाँ पे, यदि हम करते हैं इसका व्हाइट स्पेसिंग का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका इनहेरिट, अनसेट, रिवर्ट, ये वो, प्री, नो रैप, नॉर्मल, नॉन, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी रहता है। इसलिए आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसमें टेक्स्ट बड़ा रहेगा तो पता चलेगा, यहाँ पे यदि हम टेक्स्ट को
इस टाइप से कर देते हैं, तब जाके यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। प्री करते हैं तो आपका एक लाइन में आ जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे हम रैप कर देते हैं तो रैप, नो रैप। यदि हम प्री रैप करते हैं, वर्ड रैप करते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। प्री नो रैप करते हैं तो इस तरीके से आपका दिखेगा। यदि प्री रैप प्री कर देते हैं तो प्री रैप, तो रैप कर देंगे तो आपका रैप में आ जाएगा, नीचे लाइन होके ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको ये करते हैं। उसके बाद जो होता है शैडो, टेक्स्ट शैडो। तो इसके बाद हम सब देखते हैं टेक्स्ट शैडो में क्या होता है। यहां से हम सब इसे कॉपी करके एक और ये ले लेते हैं, टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो में जो प्रॉपर्टी होता है आपका जो है, पहले तो यहाँ पे लेफ्ट राइट जो ये रहता है वो डालते हैं, 4 पिक जो है 3 पिक्सेल 3 पिक्सेल 3 पिक्सेल। और यहाँ पे जो है उसके बाद है कलर डालते हैं रेड। इस तरीके से आप इसे देख सकते हो, इस तरीके का शैडो जो चेंज होता है। यहां से आप यदि इसके इसे भी आप चेंज कर सकते हो, यहां से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। यहां से इंस्पेक्ट करके आपको जैसा कलर चाहिए वैसा डाल सकते हो। और यहां से आपका ये जो बीच में स्पेसिंग है इससे भी घटा बढ़ा के देख सकते हो। आप यहां से बहुत सारा चेंजिंग कर सकते हो जो है, जो भी है CSS में प्रॉपर्टी का इंस्पेक्ट करके। तो मेनली ये होता है शैडो में, आपको यहां तक मिलेगा। और उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करके इसे देख सकते हो। इसमें टेक्स्ट में बहुत सारा प्रॉपर्टी, आप सभी जितने भी प्रॉपर्टी मैंने बताया सबको आप इंस्पेक्ट करके यहां से आप जो भी प्रॉपर्टी लोगे वहां पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा प्रॉपर्टी दिखेगा। उसे एक एक करके आप चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो है टेक्स्ट में अभी तक में इतना ही है। आप इसे एडवांस में बाद में देखते हैं, जो कि आप पहले इसमें प्रैक्टिस इतना करके कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो भी बताओ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीख सके। यदि आप को इस चैनल इस टाइप का कंटेंट पसंद आता हो आप, और इस टाइप का कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि कुछ भी इस टाइप का जो है वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन इजी से मिल सके। और आज के वीडियो में बस इतना ही, आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।